हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईबीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में जहां सीखते हैं पायथन। तो दोस्तों हमारी ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि बीच बीच में हम प्रोजेक्ट डालते रहते हैं, तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, उसमें से मुझे कोई पर्टिकुलर पेज नंबर्स को बाहर निकालना है, किसी पर्टिकुलर पेज नंबर को बाहर एक अलग पेज में निकालना। जैसे कि आपके पास एक्सेल की फाइल्स होते हैं जिसके अंदर कई सारे शीट्स होते हैं, आप किसी शीट्स को आप मूव एंड कॉपी करके एक नई फाइल में अलग कर देते हो, उसी तरह से एक पीडीएफ कॉपी है जिसके अंदर कई सारे पीडीएफ 500 से 100 700 पीडीएफ्स है। एक पर्टिकुलर पीडीएफ पेज नंबर 10 को मुझे बाहर करना है, 20 को बाहर करना है, फर्स्ट पेज को बाहर करना है, तो ऐसे हम बाहर कैसे करेंगे ये हम बात करने जा रहे हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको जो है ना एक इंस्टॉल करना पड़ेगा माई पीडीएफ 2 के नाम से एक इंस्टॉलेशन शुरू होता है, क्योंकि सर ये जब तक मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक वो सारे कंपोनेंट आएंगे नहीं। तो यहां पे हम इंस्टॉल PYPDF 2 एंटर मारी। अब मेरे सिस्टम में वो पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसे ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है, बट आपको ये इंस्टॉल करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे हम कर देते हैं कि आई पीडीएफ मैं इनपुट पीडीएफ पीडीएफ कोई भी ले सकते हैं, वेरिएबल्स है, इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया पीडीएफ फाइल रीडर, और यहाँ पे दिख रहा है पीडीएफ पीडीएफ फाइल रीडर, और इसके ब्रैकेट में हमें देना है अपने फाइल का पाथ कि मेरा फाइल किस पाथ पे पड़ा है। तो मान लीजिए कि मेरा फाइल जी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, SPPP इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो इस फाइल को सेलेक्ट करके और मैं यहां से कॉपी पास कर देता हूं और वापस आता हूं अपने VS कोड के अंदर और इन्वर्टेड कॉमा में हम पीडीएफ की फाइल पास, ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमा था तो हमें दोबारा हमने इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया, ये डालने की जरूरत नहीं है, एक लाइन हमने एक चीज को लिखा। अब मुझे आउटपुट चाहिए तो यहां पे मैंने आउटपुट इक्वल टू हमने यहां पे लिखा पीडीएफ राइट, क्योंकि मैं राइट करना है इसलिए हमें आउटपुट देना पड़ेगा और इसमें ब्राइट ओपन क्लोज कर दिया। अब यहां पे सिंपल सा लिखेंगे कि आउटपुट डॉट एड, एड पेज, आउट एड पेज ब्रैकेट, अब यहां पे लिखते हैं इन जो हमारा इनपुट पीडीएफ आई पीडीएफ है, आई पीडीएफ गेट पेज, गेट पेज और ब्रैकेट में हम अपना पेज नंबर दे देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे विथ कमांड को लगाना है, तो विथ और विथ में हमने दिया ओपन, ओपन के अंदर में हमने अपना हम आउटपुट कहाँ देना चाहते हैं उसका लोकेशन, आउटपुट, अब आउटपुट में सिर्फ फोल्डर नेम देना है, फाइल नेम नहीं, और इन्वर्टर कमांड में मुझे W भी करना होगा।
एज ए आउट आउटपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग आउटपुट डॉट राइट राइट इसके अंदर में आउटपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग और मैं इसको रन करता हूं तो एरर दिखाएगा। तो यहां हमने छोटी सी गलती कर दी है। Recording in progress. छोटी सी गलती यहाँ पे कर दी। गलती ये था कि हमने यहाँ पे g.spcs से पूरा पाथ दिया। वैसे यहाँ पे दिया जाता है फाइल का सिर्फ नेम, फाइल का पाथ नहीं। हम पाथ ले सकते हैं, कहीं से उठा सकते हैं, लेकिन जब इसको हम रीराइट करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर पाथ में नहीं चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा सिर्फ फाइल का नेम, जस्ट फाइल का नेम। तो हमने यहाँ पे जस्ट वन डॉट पी डी एफ, मान लीजिए टू डॉट पी डी एफ करके हम यहाँ पे रन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका राइट हो गया। और आप जिस ड्राइव में आपका पाइथन का फाइल है ना, देखिए टू नाम का पी डी एफ बन के आ गया और यहाँ पे वन पहले से बना हुआ था, टू यहाँ पे बन के आ गया और इसमें हमारा इनवाइसेस की कॉपी अलग हो रखा है, देख सकते हैं। ये चीजें हम कर सकते हैं पाइथन में अपने साथ। अब किसी और फोल्डर में सेव करना हो तो फिर यहां उसका पाथ कंबाइन करना होगा, ज्वाइन करना होगा, तब हो जाएगा। ये चीज हम बताएंगे। इसमें होता है कि और एक पेजेस अलग करना है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे जब हम लूप आपके साथ सीखेंगे। अभी तक हमने लूप आपके साथ नहीं सीखा है, तो फिलहाल हम इसको इतना ही सीखते हैं। थैंक यू।